थे दोस्तों, गेट बंद हो चुके हैं और हम कर्फ्यू में एकदम फंस चुके हैं। देखते हैं हम निकल पाते हैं या नहीं। दोस्तों चिकी आजा दूसरे रस्ते। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। और अभी शाम होने वाली है और मैं थोड़ा सा नेक रेस्ट लगाया, अभी थोड़ा एडिटिंग की थी तो एडिटिंग करते हुए मैं लगाता हूँ ताकि जो काम है वो सीधी गर्दन के साथ हो सके और उसके बाद मुझे तकलीफ ना हो। और आपको एक अपडेट दे दूँ कि ये देखिए एक्वेरियम मैंने बताया था आपको कि ये छोटा पड़ रहा है, तो अब हम भी पूरे इससे कन्विंस हो गए कि ये एक्वेरियम छोटा पड़ चुका है मछलियों के लिए, ना ये घूम पा रही हैं। देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है शार्क्स हैं। तो आज ही दोस्तों इनके लिए नया एक्वेरियम आएगा और हम उसे बनाएंगे। शीशे लाए जा रहे हैं और एक इनके लिए खास टेप होती है वो भी लाई। फादर साहब कह रहे थे कि वो खुद ही डिज़ाइन करना चाहेंगे एक्वेरियम, इस बार हम थोड़ा लंबा बनाएंगे। ये वाला जो है हाइट में ऊंचा है थोड़ा, ऐसा नहीं बनाएंगे हम थोड़ा लंबा बनाएंगे ताकि इन्हें और स्पेस मिले और ये अच्छे से खेल सकें, और भी फिशेस यहाँ पे आएँ इनके साथ। तो मैं जाऊँगा अभी मार्केट, भाई गया है शीशे वगैरह थोड़ा वो अरेंज करने, तो मैं गाड़ी लेके जाऊँगा, फिर शीशे वगैरह हम लेके आएंगे और जैसे जैसे एक्वेरियम बनता है जो भी काम होता है वो आपको दिखाते हैं। तो अब इनका समय आ गया है एक नए घर में जाने का। ये देखिए खेलना तो दूर की, ढंग से चल भी नहीं पा रही इसके अंदर, तो अब बड़ा एक्वेरियम आएगा इनके लिए। बाकी छोटी मछलियाँ वो तो दिखती नहीं, वो बैक साइड पे हैं, वो देखिए ये देखिए। तो दोस्तों इसी बीच ठंड के माहौल में मैं लगा हूँ अभी सिंपल येलो दाल एंड चावल खाने, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल हाथ से। तो इसको खा के मैं मिलता हूँ आपको, क्योंकि जो डिनर है वो सुकून से किया जाए तो ही अच्छा होता है। तो दोस्तों भाई अभी दुकान जाके आ गया था, तो उसने बताया कि जो कारीगर था जिसने शीशे काटने थे उसने वो एक्चुअली गया हुआ था कहीं, तो उसने आना भी था लेट। आजकल कर्फ्यू लग रहा है, मतलब रात को लग जाता है कर्फ्यू यहाँ पे, सुबह 5 बजे तक लग जाता है, तो फिर हो नहीं पाया। दुकानदार गया था तो रात को अब हो नहीं पाना था, तो एक्वेरियम का काम रह गया, इसका करेंगे किसी और दिन, कल या परसों आपको बताएंगे। इसी घर में पूजा थी तो हर जगह देखिए धुआं धुआं सा आपको दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, पर एक धुंध सा माहौल। दोस्तों बारिश लग चुकी है और चिकुआ को भी मैं घुमाने ले आया हूँ, ये थोड़ा यहाँ दौड़ रही है, एक्चुअली बारिश है तो मैं इस एरिया में इसको घुमा रहा हूँ ताकि गिली ना होए, यहाँ पे बारिश नहीं गिर रही। और दोस्तों अभी अभी पुलिस की गाड़ी सायरन बज रहा है गाड़ी में, क्योंकि 10 बजने को या पता नहीं जो कर्फ्यू का टाइम है उसको होने को सिर्फ 11-12 मिनट रह गए हैं, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा नहीं तो हम कर्फ्यू में फंस सकते हैं। चिकुआ हमें दौड़ लगानी होगी। चिकी आ जा, कर्फ्यू लग गया। चिकी कर्फ्यू लग गया, भाग। चिकी आ जा, कर्फ्यू लग चुका है, हमें पहुंचना होगा गाड़ी तक कर्फ्यू के लगने से पहले। आजा आजा, वो देख चिकी, ओ शिट। देखिए दोस्तों गेट बंद हो चुके हैं और हम कर्फ्यू में एकदम फंस चुके हैं, देखते हैं हम निकल पाते हैं या नहीं। दोस्तों चिकी आजा दूसरे रास्ते से, और चिकी भी थक चुकी है, अब मुझे इसे गोद में उठाना पड़ेगा, ढक ले जाना पड़ेगा। आजा आजा, कम कम। चल 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 चल। तो दोस्तों हम जा रहे हैं कर्फ्यू से बाहर एकदम, बस 2 ही मिनट बचे हैं। तो दोस्तों जैसे तैसे हम कर्फ्यू से निकल के गाड़ी में आ चुके हैं, अब चलते हैं घर। देखा मैंने आपको बताया था वहाँ गेट बंद हो गया था, तो ऐसे ही घिर जाते हैं कई बार, फंस सकते हैं आप, तो टाइम पे घर रहें, सुरक्षित रहें, तो चलते हैं घर। तो दोस्तों आज है अगला दिन और हम जैसे तैसे कल कर्फ्यू से बहुत मुश्किल से बच के आए हैं। एंड आपको एक्वेरियम का कल बताया था कि कल शीशे नहीं आए थे, आई होप आज वो कारीगर आ गया हो शीशे वाला और उसने कर दिए हो, मतलब शीशे की जो कटिंग है एक्वेरियम के हिसाब से।
एंड फादर साहब जो है नीचे फिश उसका जो एक्वेरियम है उसका स्टैंड बना रहे हैं, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ लकड़ियों का, और भी कुछ बना रहे होंगे तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आग जली पड़ी है न्यू ईयर की एंड चिको अभी आराम कर रहा है। एंड ये देखिए यहाँ थोड़ा तामझाम है, ये फिश का जो मैंने आपको बताया था नया एक्वेरियम आ रहा है लंबा जो होगा थोड़ा लेंथ में, उसके लिए फादर साहब स्टैंड बना रहे हैं लकड़ी में। देखिए तो ये एक नया अजूबा बनता हुआ इस तरफ। ये देखिए पुरानी जो खिड़कियां हैं दरवाजे दरख्तों की लकड़ियां हैं उनका कुछ ना कुछ तो बनेगा। आधा स्टैंड बन चुका है, ये इतना ही है कि और लंबा बनेगा? ये फादर साहब कह रहे हैं कि इससे डबल बनेगा अभी जितना बन चुका है, तो काफ़ी लंबा होगा फिशेज के लिए। मैं अभी खुश हूँ कि मछलियों को अब ज़्यादा जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा। देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे पड़े हैं, ये पेचकस है, ये दो दो हैमर्स हैं, कटिंग मशीन है और एक्सटेंशन भी लगी है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। आई होप तकरीबन आज ये बन जाए। कैसे ये बड़े वाला कि छोटे वाला? देखिए कीलों का पूरा इंतजाम है यहाँ, हथियार और इक्विपमेंट्स। दोस्तों अभी तो ये एक कच्ची इमारत की तरह हिल ही रहा है, ये देखिए ये अभी डामाडोल ही है, इसका काम पक्का नहीं हुआ। देखिए सफाई, देखिए हाथों की कारीगरी एकदम जैसे आगरा से। तो काफी खतरनाक काम यहाँ होता हुआ, जरा सा हथौड़ा हिला कि उंगली पे जा सकता है। तो लगभग ये पक्का होता जा रहा है, अभी भी काफी हिल रहा है वैसे। देखिए कितनी कीलें मुड़ी, उसके बाद जाके कई लगी। ये देखिए दोस्तों कहाँ ये लकड़ियां देखो जलने जा रही थी, और आज सृजनात्मक काम करती हुई एक टेबल में तब्दील होती हुई। देखिए दोस्तों पुराने जमाने में गुप्त दरवाजे हुआ करते थे तहखानों के, आज यहाँ भी एक गुप्त दरवाजा है, देखते हैं इसके पीछे क्या निकलता है। ओह ये देखिए हजारों साल पुरानी शराब वेट 69। तहखानों में ऐसी ही चीजें सुरक्षित करके रखी जाती थी पहले।
और देखे दोस्तों, बाहर फादर साहब ने जो बनाए अपने आर्ट, जो वुडन आर्ट्स से बनाए हैं, भाई ने यहाँ पे थोड़ी सजावट भी कर दी है उन चीज़ों की। इस स्टैंड पे ये रख दिया, ये देखिए ये रख दिए हैं, और एक जो मैंने ये शेल्फ बताया उसमें बुक्स वगैरह रख दी गई है, ये देखिए बैलेंस शीट्स एंड ऑल, ये देखिए ऐसा सा कुछ सजावटें भी हो गई। मतलब जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनका यूज़ भी होना शुरू हो गया, तो बहुत ही बढ़िया काम चलता हुआ। और ये देखिए मिनी कूलर, ये गर्मियों में दिखाएंगे आपको चला के।